Hello children, welcome to Mvians Academy. Today I am going to explain the second part of the chapter Deep Water by William O. Douglas. And then a strange thing happened. The author felt that he was coming out of the dirty yellow water. At first his eyes came out, and then almost his nose too came out. Now again for the third time he started going down. He tried to breathe, but got only water. The yellowish light which he saw was going out as he drowned. Then all his efforts to escape from the water stopped. He relaxed. He felt as if his lungs were lifeless. And there was complete blackout in his brain. He was no more fearful and panic. He felt peace and quietness. He was not at all afraid. He felt drowsiness and slowly he was going to sleep. Now there was no need of any jump. He felt as if he was carried gently, floating along in space by soft caring hands of his mother. Thus he was going into a state of unconsciousness and the curtain of life fell. तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि कुछ स्ट्रेंज थिंग उनके साथ हो गया, जिसमें ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो उस डर्टी येलो वाटर से बाहर निकल आ रहे थे, क्योंकि पहले उनके आइस बाहर आ गए थे, फिर उनके नोज़ भी बाहर आ गए थे, लेकिन एकदम ऐसा हुआ कि वो फिर नीचे चले जाने लगे और ऑथर ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी ही मिल गए थे और एयर नहीं मिला उनको, और जो येलो लाइट जो अब तक विजिबल था वो भी इनविजिबल हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल डूब रहे थे और उनका जो भी एफर्ट था पानी को स्टॉप करने का वो सब इन वेन में चले गए, मतलब एफर्टलेस हो गया वो सब, और वो रिलैक्स करने लगा स्लोली. उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लक्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके लक्स वेर लाइफलेस, जीवन नहीं है, और उनके ब्रेन में भी कुछ भी नहीं है, कंप्लीट ब्लैकआउट हो रहे थे. और अभी तक जो फियर या डर था वो अभी नहीं है उनके अंदर, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं था अभी उनको, और क्योंकि वो अभी एकदम शांति का महसूस करने लगा. अभी वो बिल्कुल अफ्रेड भी नहीं था और स्लोली वो स्लीप में जा रहे थे, उनको नींद आ रहे थे और जंप करने की भी ज़रूरत नहीं था. उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनको बहुत सॉफ्टली अंतरिक्ष में से लेकर जा रहे हैं, जैसे उनके मदर के केयरिंग हैंड्स होता है वैसे ही कोई आराम से बहुत केयर के साथ उनको ले जा रहे हैं. दस इस तरह वो एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में, या एक स्टेट जिसमें सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे एक स्टेट में गिर जाते हैं. नाउ व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. द बॉय हु थ्रू हिम इनटू द पूल वाज सेइंग दैट ही वाज ओनली फूलिंग. समवन सेड दैट द किड हैड नियरली डाइड एंड द अदर वाज टेकन टू द लॉकर रूम. After several hours, the author walked back home. He was weak and shivering. He was disturbed when he lay on his bed. He couldn't even eat that night. For many days, he had a haunting fear in his heart, and because of that, he was physically upset. Even the slightest work made him weak, and his knees couldn't support his body, and his stomach too was sick. And he never wanted to go back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. तो इस पैराग्राफ में ऑथर बताते हैं कि जब उनको अपने मतलब सेंसेस, वो जब अपने सेंसेस में आ गया, जब वो कॉन्शियस हो गया, तब उन्होंने देखा कि वो पूल के साइड में अपने स्टमक को नीचे करते हुए लेटे हुए थे और वो वॉमिट कर रहे थे, और जो बॉय उनको नीचे गिरा दिया था वो भी वहाँ खड़े हुए थे, और वो बस यही बता रहे हैं कि मैं तो बस उनको फूल करना चाहते थे और कुछ नहीं. लेकिन वहाँ पर कोई और भी था जो उनको डांट रहे थे कि देखो ये बच्चे तो बिल्कुल अभी मर जाते, और इस तरह डांट के वो ऑथर को लॉकर रूम में लेकर जाने लगे. और सेवरल आवर्स मतलब बहुत सारे घंटों के बाद फिर ऑथर को छोड़ दिया गया और वो वापस घर जा रहे थे, और जाते टाइम वो उनको बहुत कमजोरी का एहसास होने लगा और वो कांप रहे थे. ही वाज डिस्टर्ब इवन घर आके सोते टाइम भी
वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड था और वो रात को खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे, और बहुत दिनों तक वो जो फियर था वो उनके पीछे पड़ गए थे, और इस फियर की वजह से वो फिज़िकली भी अपसेट होने लगे। छोटा छोटा काम भी वो नहीं कर सकते थे क्योंकि कमज़ोरी हो गए थे उनके अंदर, और वो अपने उनके नीज़ जो हैं अपने बॉडी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और उनके स्टमक भी ठीक नहीं था। एंड उन अभी से उनको ऐसा लग रहा था कि अभी उनको पूल में नहीं जाना है, क्योंकि वो इतना बड़ा डर पैदा हो गया उनके माइंड में कि आगे से उनको पानी का भी डर होने लगे, न पूल में जाने का मन था, और इसलिए जहाँ तक हो सके वो पूल और पानी को अवॉइड करने लगे। After a few years, the author came to know about a waterfall, and the author wanted to go there. And whenever he went to different rivers like Titan or Bumping River or Warm Lake of Goat Rocks, the same fear returned. It would completely catch him and make him immovable. His legs would get paralyzed, and icy horror would grab his heart. सो कुछ सालों के बाद ऑथर ने एक वाटरफॉल के बारे में सुना, तो ऑथर को वहाँ पर जाने का मन था। लेकिन ऑथर ये बताते हैं कि जब भी कहीं जो अलग अलग रिवर्स हैं, जैसे टाइटन है, टाइटन यू नो इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नैक्स इन वॉशिंगटन, टाइटन में जाते थे, या बम्पिंग रिवर इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नाक्स रिवर, और या कभी वॉर्म लेक में जो गोट रॉक्स में है, गोट रॉक्स यू नो इट इज़ एन एक्सटिंक्ट स्ट्रैटोवोल्केनो, जब भी इन रिवर्स में या लेक्स में जाते थे तो थोड़े टाइम बाद उनको वही फियर वापस आते थे, और वो फियर उनको कम्प्लीटली पकड़ लेते थे, और फिर उनके हाथ पैर कांपते थे और वो मूव नहीं कर पाते थे, और उनको ऐसा लगता था कि उनके लग्स पैरालाइज्ड हैं, स्तंभित हो गए हैं, और वो फियर बॉडी को पकड़ लेते थे और फिर उनके हार्ट को भी, मतलब फिजिकली एंड मेंटली उनको पकड़ लेते थे वो फियर। नाउ द ऑदर सेज हाउ द फियर हैज़ फॉलोड हिम ऑल थ्रू हिज ग्रोइंग अप स्टेज। Whenever he went on boating trips to different lakes in Maine for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on Columbia at Bumping Lakes in Cascade, wherever he went, the same fear of water followed him. So it destroyed his fishing trips and he was never able to enjoy the canoeing, boating and swimming. यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि ये जो पानी का जो फियर है वो उनके ग्रोइंग अप स्टेज में, पूरे उनके जो ग्रोइंग अप वाला स्टेज है उसमें उनको पकड़ लिया था। एंड व्हेनेवर ही वेंट टू बोटिंग ट्रिप्स, जब भी कोई बोटिंग ट्रिप्स पर जाते थे रिवर में या लेक्स में, जैसे मेन में ना वो मेन रीजन में वो लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश को पकड़ने के लिए जाते थे, यू नो इट इज़ अ सेपरेट स्पीशीज ऑफ सैल्मन अवेलेबल ओनली इन सर्टन लेक्स, या कभी बैस फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर में जाते थे। बैस फिशिंग यू नो इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एंकलिंग और कैचिंग फिश फॉर नॉर्थ अमेरिकन गेम फिश नोन एज ब्लैक बास, तो या ट्राउट फिशिंग के लिए, ट्राउट फिशिंग यू नो इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिशिंग, और वो डेस्यूड्स में या मेटोलिस में जो ओरेगन में है वहाँ पर जाते थे, तब भी यही डर उनके पीछे पड़े हुए थे। देन कभी वो सैल्मन को फिश करने के लिए, फ़िशिंग के लिए जाते थे कोलंबिया में एट बम्पिंग लेक्स इन द कैस्केड, तो ये जो भी रिवर जो भी लेक्स में वो जाते थे सारे जगह पर वही फियर उनके पीछे पड़ने लगे। इट फॉलोड हिम, सो देयर बाय यू नो इट डिस्ट्रॉयड his ability to enjoy canoeing, boating and swimming। इस तरह जो enjoyment मिलते हैं लोगों को canoeing से, canoeing का मतलब है the activity of paddling on a light narrow boat, okay, तो उसमें या boating का या swimming का आनंद कभी भी वो अपने life में नहीं ले चुके थे, क्योंकि जब भी वो रिवर या लेक के पास जाते थे तो वही डर उनको पकड़ लेते थे और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे।
The other tried every way to overcome his fear but was unable to do so. Finally, during one October, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced swimming for 5 days a week by devoting an hour each day. The instructor put a belt around his waist. The belt was attached to a thick rope. The rope went through an overhead pulley and was held by the instructor. In case the other drowned, the instructor would pull him out. It was practiced for weeks. When the instructor loosened the rope, the other went down into the water, and then the old fear would return and it would immobilize his legs. After 3 months' practice, the other's fear reduced. Then he was taught to put his face under water and breathe, that is, to inhale and exhale. The author practiced it hundreds of times. Thus, gradually, he got rid of the fear that would grab him when he put his head underwater. So, author ko ye lag raha tha ki unke andar ye fear hai. Lekin us fear ko overcome karna bhi wo chahte the. So, unhone socha ki pehle to mujhe swimming seekhna hai. To swimming seekhne ke liye ek October mein unhone ek instructor, ek trainer ko rakh diya gaya. जो उनको स्विमिंग सिखाएंगे तो ट्रेनर के साथ वो पूल में गया कंटिन्यूसली एक वीक में 5 days वो प्रैक्टिस करने लगे और एक एक घंटे हर दिन में एक एक घंटे वो डिवोट करते थे और इंस्ट्रक्टर एक बेल्ट उनके कमर में डाल दिए थे और उस बेल्ट को एक मोटे से रस्सी से बांध के अटैच किया हुआ था और उस रोप को ओवरहेड पुली से कनेक्ट किया हुआ था और वो उसको इंस्ट्रक्टर पकड़ लेते थे और बाय चांस जब ऑथर स्विमिंग करते टाइम डूब जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर क्या करेंगे इंस्ट्रक्टर उसको पुल आउट करेंगे ओके एंड इंस्ट्रक्टर जब उस रोप को लूजन करेंगे तो ऑथर पानी में जाएंगे एंड देन इस तरह जब वो प्रैक्टिस करने लगे लेकिन उस टाइम भी उनके अंदर है ना ये ओल्ड जो फियर है जो डर है पुराना जो डर है वो रिटर्न होने लगा और जब वो डर पैदा होते थे उनके माइंड में तब वो बिल्कुल इमूवेबल कंडीशन में हो जाते थे मतलब उनके हाथ पैर नहीं चलते थे तो 3 months तक लगातार प्रैक्टिस करने लगे बहुत बार प्रैक्टिस होने के बाद ऑथर का जो डर है वो थोड़ा रिड्यूस होने लगा थोड़ा कम होने लगा फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको फेस को कैसे पानी में डालते हैं और पानी में कैसे इनहेल और एक्सहेल करते हैं ये सब कुछ सिखा दिया ऑथर ने तो बहुत 100 से ज़्यादा बार उसको प्रैक्टिस किया ठीक है दस ग्रेजुअली स्लोली वो छुटकारा पा गया किससे छुटकारा पाया वो जो डर उनको उनके पीछे पड़े हुए थे पानी से उस डर से स्लोली स्लोली वो रिकवर होने लगा ना नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू किक वाटर विथ हिज लेग्स इट वॉज प्रैक्टिस्ड फॉर मैनी वीक्स एट फर्स्ट हिज लेग्स डिड नॉट मूव बट ग्रेजुअली दे रिलैक्स्ड एंड ही कुड मूव देम अकॉर्डिंग टू हिज विश दैट्स द ऑथर वॉज बिल्ट इन टू अ स्विमर When the author became perfect in each act of swimming, he combined it into one. And in the month of April, the instructor asked him to dive into the pool and swim. Swim the length of pool in the crawl stroke. That is a particular style of moving the arms and legs in swimming. That is crawl stroke. So, yahan par author batate hai ki unke instructor ne to unka saath diya tha. Aur instructor unko kaise paani mein लेग्स से किक करते हैं वो सिखा दिया देन बहुत मतलब ही प्रैक्टिस्ड दिस फॉर मैनी वीक्स बहुत हफ्तों तक इसका प्रैक्टिस होने लगा पहले पहले तो उनके लेग्स मूव नहीं कर रहे थे पानी में बट ग्रेजुअली क्योंकि पहले हमने देखा था ना कि उनके बॉडी जो है वो रिजिड हो जाते थे पानी को देखकर लेकिन आराम आराम से वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया और फिर वो पानी में अपने विश के अकॉर्डिंगली अपने हाथ पैर मूव कर सके दस द ऑथर एक अच्छा स्विमर तो बन गए थे व्हेन द ऑथर बिकेम परफेक्ट जब वो परफेक्ट हो गए थे स्विमिंग में तब उनके जो टीचर है जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको जो कुछ एक्ट सिखा दिया था सारे एक्ट को
एकत्रित कर दिया। और फिर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इंस्ट्रक्टर ने उनको बोला कि अभी तुम डाइव करो पूल में और स्विम करो। और ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू डू क्रॉल स्ट्रोक। ओके, क्रॉल स्ट्रोक वो है जो आर्म्स और लेग्स को मूव करके स्विम करने के लिए बता दिया। ओके, नाउ दस the instructor's role was over, but the author felt that the same fear would grab him when alone in water. He tried to swim alone in the pool. The fear returned to him in small doses, but now he knew how to swim and how he and so he faced the fear with confidence and was able to swim another length of the pool. तो इंस्ट्रक्टर का तो रोल ख़त्म हो गए थे क्योंकि उन्होंने उनको काबिल बना दिए थे स्विमिंग के लिए, सब कुछ सिखा दिए थे। तो ऑदर को अभी बस अकेले स्विम करना है, वही था बाकी। तो ऑदर को लग रहा था कि वही फियर, जो पुराने डर है, वही वापस आएंगे जब वो पानी में अकेले है। तो वो पूल में अकेले स्विम करने के लिए तैयार हो गए। फिर वही डर जो है वो आया था, लेकिन अभी छोटे छोटे डोजेस में आए थे। मतलब पहले जैसे उनको नंप या उनको एकदम रिजिड नहीं करते थे, लेकिन स्मॉल डोजेस में वो डर तो आए थे, लेकिन अभी ऑदर तो ये जानते थे कि कैसे स्विमिंग करना है, वो तो सीख लिए थे, कॉन्फिडेंस तो था उनके अंदर, इसलिए वो उस फियर को फेस भी कर सकते थे। और एक बार और उस पूल को वो अपने आप स्विम करके क्रॉस कर लिए। From April to July, the same thing continued. But still the author was not satisfied. He was not sure whether all his fear had gone or not. So he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived into it from Tricks Island, and swam for 2 miles up to Stamp Act Island. He used different styles of swimming like the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. During this time, only once the fear returned. When he was in the middle of the lake, he put his face under water and he could see nothing but the bottomless water. The old fear returned in a small size, but the other laughed at the fear and said that now the fear couldn't harm him. Thus, the fear vanished and the other continued his swimming. ना अप्रैल से लेकर के जुलाई तक सेम प्रैक्टिस करने लगे ऑथर, लगातार कोशिश में लगे रहे। फिर भी उनके अंदर है ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं था कि वो डर कम्प्लीटली उनके अंदर से गए हैं या नहीं, वो श्योर नहीं था। तो एक दिन वो लेक वेंटवर्थ जो न्यू हैम्पशायर में है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ट्रिक्स आइलैंड से डाइव करते हैं और 2 miles तक वहाँ पर स्विम करके वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक स्विम करते हैं। और उसमें वो अलग अलग स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग यूज़ करते हैं, जैसे क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सब यूज़ करके वो स्विम करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस बार है ना बस उनको एक ही बार वो डर आ गया था, लेकिन अभी वो उस डर को फेस करने के लिए तैयार था ना, तो इसलिए उनको अभी वो कॉन्फिडेंस के साथ उस डर को फेस कर सकते थे। और एक बार उन्होंने अपने फेस को भी पानी के अंदर कर दिए थे और उस टाइम वो अंदर जो बॉटमलेस वाटर है वो भी देख सकते थे। जो पुरानी जो डर है वो स्मॉल साइज में, मतलब छोटे छोटे साइज में तो उनके अंदर आ गए थे, लेकिन अभी ऑदर के अंदर इतना ताकत था कि वो उस फियर से पूछने लगा कि अभी मुझे डर नहीं है, इसलिए तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इस तरह बोला तो वो फियर अपने आप ही वैनिश होने लगा और ऑदर ने अपना स्विमिंग कंटिन्यू किया। Still, the author had some doubt about fear. As a first chance, he hurried towards the west and went up to Titan, reached Conrad Meadows, walked up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier. He camped at the meadow by the warm lake. The next morning,
The next morning he wore the swimming dress and dived into the lake. He swam across it to the other end and returned just like the famous American Duke Cockburn used to do. The author shouted with joy as he had overcome his fear. His voice echoed as the mountain peak named Gilbert Peak reverted it. He had overcome his fear of water. So yahan par fir unko doubts tha ki wo fear hai ya nahi. To as a last chance, as a last opportunity, unhone socha ki wo west mein jayenge, wo Titan mein gaye. वहाँ पर कॉन्ड्रैट मेडोज पहुँच गए. वहाँ से वो कॉन्ड्रैट क्रीक ट्रेल में चले गए और वहाँ से वो मीट ग्लेशियर गए और मेडो आई मीन वहाँ पर कैंप किया मेडोज में और फिर वॉर्म लेक में चले गए और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना स्विमिंग ड्रेस पहनकर लेक में कूद गया. तो वो आराम से स्विम कर सकते थे. एंड जब उन्होंने मतलब एक साइड से लेकर के दूसरे एंड तक वो आराम से स्विमिंग किया और ऐसे वो वापस आया जैसे द फेमस अमेरिकन डॉग कॉपरन यूज टू डू. डॉग अमेरिकन डॉग कॉपरन यू नो ही इज़ अ स्विमर हु यूज टू स्विम अक्रॉस फ्रॉम वन शोर टू अदर एंड बैक. वो ना एक तरफ से दूसरे तरफ स्विम करते थे और फिर वहाँ से दूसरे तरफ ऐसे. तो उनको इमिटेट करने लगे ऑदर भी. अपना डर दूर करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए वो सेम चीज़ रिपीट करने लगे, एक शोर से दूसरे तरफ और वहाँ से फिर पहली तरफ वो स्विम करने लगे. और ऑदर को बहुत हैप्पी हो गए. तो अभी ही शाउटेड विद जॉय कि उन्होंने अपने फियर पर मतलब फियर को ओवरकम किया है, कब कर पाया था. और हिज वॉइस एकोड एज द माउंटेन पीक नेम्ड गिलबर्ट पीक. और उन्होंने जब अपने फियर को उन्होंने जब अपने जॉय को एक्सप्रेस किया तो वो आवाज़ यू नो माउंटेन पीक जो है गिलबर्ट पीक ने उसको वापस भी भेज दिया. मतलब वो एको करके उनके आवाज़ गूंजने लगा. ठीक है. एंड ही हैड दस ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. इस तरह उन्होंने अपने पानी के प्रति जो डर था उसको ओवरकम किया. द एक्सपीरियंस हैड अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द अदर्स लाइफ. ही सेज दैट ओनली अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड फियर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिसिएट हिम. ही सेज दैट इन डेथ देर इज पीस और कामनेस बट terror is only in the fear of death. He recollects the words of Roosevelt, "All we have to fear is fear itself." The author had experienced death and the fear of death, and so the desire to live grew intensely in him. At last, he felt released from fear and was free to walk up the trails and climb up the mountains fearlessly. So, author ye batate hain ki the experience had a great importance in others' life. ये जो experience उन्होंने gain किया था वो बहुत important है उनके life के लिए. और वो बताते हैं कि only a person who has experienced, जो भी fear को experience किया है और उस पर काबू कर पाया है वही उनको appreciate कर सकते हैं, वही उनको समझ सकते हैं. और वो ये भी बताते हैं कि डेथ में क्या है. डेथ में तो शांति है, साइलेंस है, पीस है ना. बट टेरर इज़ ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. डर कब होता है, जब हमें डेथ के प्रति डर पैदा होते हैं हमारे माइंड में, तभी डर होता है. और डेथ में तो कोई डर नहीं है किसी को, क्योंकि डेथ में तो शांति है, साइलेंस है. लेकिन डेथ के प्रति जब हमारे माइंड में डर पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर टेरर पैदा होते हैं. सो वो रूजवेल्ट के वर्ड्स को रिकलेक्ट करते हुए बताते हैं कि रूजवेल्ट ने बोला था कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ. बस इस ज़िंदगी में या इस वर्ल्ड में हमें एक ही चीज़ को डरना है और वो है डर. फियर से ही डरना है क्योंकि वही है हमें सारी चीज़ों में हिंड्रेंस देने वाले, है ना. तो उससे डरेंगे, उससे अगर हम काबू कर पाएंगे तो फिर हमें कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे.
So the author had experienced death and the phase of death. The author ne to dono cheez experience kiya tha. Unhone death bhi experience kiya tha aur fear of death bhi experience kiya tha. Isliye abhi unke mind mein ek desire, ek aasha aa gaye hain ki unko live karna hai. Matlab unko jeena hai. ओके तो जीने की जो इच्छा है वो इंटेंस हो गए, वो ज़्यादा हो गए हैं उनके अंदर. एट लास्ट वो ये रियलाइज मतलब ही फेल्ट रिलीज्ड फ्रॉम फियर. जो फियर था उनसे उनको रिलीज हो गया, उन जो फियर था उससे वो फ्री हो गया है. और वो फ्री था कहीं भी पाथ में, कोई भी पाथ में, कोई भी ट्रेल में वॉक कर सकते थे. कोई भी माउंटेन को वो फियरलेसली क्लाइंब कर सकते हैं अगर फियर नहीं है तो. तो इस लेसन के थ्रू ऑथर हमें ये बताते हैं कि फियर एक ऐसे हिंड्रेंस हैं जो हमारे लाइफ में कहीं भी बाधा पैदा कर सकते हैं, है ना, हमें आगे जाने से रोकते हैं. तो अगर हम उस फियर से, उस फियर का सामना करके उसके अंदर, है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट अप कर ले तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर कोई भी हिंड्रेंसेस नहीं होगा हमारे पाथ में. ओके सो दैट इज़ अ चैप्टर.